डॉक्टरी के नाम से पैसा लूटते इन कालाबाजारियों पर होगी बड़ी कार्रवाई। हम बात कर रहे हैं मस्तूरी ब्लॉक के झोलाछाप डॉक्टरों की, जिनके क्लिनिक में पूछताछ के लिए गए मेरे रिपोर्टर परमानंद और मेरे ऊपर कई पत्रकार और अपने आप को नेता कहने वाले लोगों ने हस्तक्षेप किया था कि हम उस झोलाछाप डॉक्टर के पास में पूछताछ के लिए नहीं जा सकते। आज इसी विषय पर हमारे माननीय SDM सर ने यह बात स्पष्ट की कि हम पत्रकार किसी भी अवैध या गैर कानूनी तरीके से चलने वाले क्लिनिकों में बिल्कुल पूछताछ के लिए सक्षम हैं, अथवा हमारे ऊपर रोक टोक करने का हक किसी को नहीं। और SDM महोदय ने हमें यह आश्वासन दिलाया कि इन झोलाछाप डॉक्टरों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मस्तूरी ब्लॉक से प्रीति सोनी की रिपोर्ट, प्राइम मिटी न्यूज। हम बात कर रहे हैं मस्तूरी ब्लॉक के SDM सर से झोलाछाप डॉक्टरों के बारे में। कई जैसे अभी हम क्या है कोरोना काल में जैसे हम ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं वहां जाके कि आप ड्रिल और इंजेक्शन नहीं यूज कर सकते, तो हमारे ऊपर कई प्रकार का ब्लेम लगाया जा रहा है कि आपको अथॉरिटी है नहीं कि वहां जाके आप किसी की जानकारी ले सकें। कई ग्राम पंचायत वाले जो है हमारे अगेंस्ट थाना में रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, जिससे हमको बहुत से परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। बताइए सर, इसके बारे में क्या कहना है? आपके माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है कि कोई झोलाछाप डॉक्टर है जो इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ पर और बिना किसी लाइसेंस के अपना क्लिनिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके संबंध में क्लियर इंस्ट्रक्शन है, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी करता है तो आप बिल्कुल मेरे माध्यम से जा सकते हैं। आपने पहले भी इन्फॉर्म किया था तो मैंने ही आपको बोला था कि अगर ऐसा कुछ वीडियो है तो आप मेरे को इन्फॉर्म कीजिए, शेयर कीजिए, तो उसके माध्यम से मैं BMO को तत्काल उसमें सूचना दी जा चुकी है और इस हफ्ते पूरा उसमें जांच करके कंप्लीट जांच करके उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरे ऊपर में एक जो है कांग्रेस नेता है जो उसी झोलाछाप डॉक्टर को बचाने के लिए मेरे ऊपर में वो ब्लेम लगा रही थी कि आप किसी से 10,000 लिए हो, जिसका पुष्टि मैं कर दी कि वो डॉक्टर खुद बाइट दिया वहीं के जयसवाल सर है, जो कि भाई आप मैं प्रीति मैडम को जानते ही नहीं, न 1 रुपया दिया ही नहीं हूँ, तो बताइए इसमें क्या कहना है आपका? नहीं, इसके संबंध में क्लियर है कि अगर वो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है तो इलीगल है, उसके माध्यम से कोई आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो ये गलत है, और अगर उनकी एक्टिविटी इलीगल है तो उसमें जांच होगी, कार्रवाई होगी।